प्रयागराज के करछना थाने से 200 मीटर दूर निर्माणाधीन मकान में प्रेमी ने प्रेमिका की हत्या कर उसके शव को सेप्टिक टैंक में छिपा दिया। इसके साथ ही आरोपी ने बड़ी चालाकी के साथ प्लास्टर भी करा दिया। आरोपी ही प्रेमिका की मां को थाने लेकर गया था, साथ ही गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया। कॉल डिटेल से इस मामले का खुलासा किया गया तो पता चला कि आरोपी प्रेमी नहीं प्रेमिका की हत्या की है। हत्या करने के 4 दिन बाद ही आरोपी ने शादी कर ली। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। यह मामला प्रयागराज के करछना थाने इलाके से है, जहां पर महेवा गांव के निवासी राज केसर चौधरी पिछले 24 मई की शाम से लापता थी। उसने घर वालों को बताया था कि आशीष कुमार गौतम निवासी मुंगारी के पास जा रही है। दोनों एक दूसरे को काफी समय से जानते थे। काफी समय बाद वो घर पर लौट कर नहीं आई तो परिजनों ने उसे फोन किया, लेकिन मोबाइल बंद था। उसके बाद लड़की के परिजनों ने आशीष को फोन किया और उसके बारे में पूछा, लेकिन उसने जानकारी देने से साफ इनकार कर दिया। 28 मई को जब आशीष की शादी हुई तो केसर की मां गुलाब कली और भाइयों को अनहोनी की आशंका हुई। उन्होंने आशीष से फिर से पूछताछ की, लेकिन वो गुमराह करता रहा। पुलिस ने बताया है कि 30 मई को आरोपी खुद केसर की मां को लेकर गुमशुदगी का मामला दर्ज कराने आया था। पुलिस ने जांच शुरू की तो पता चला कि आरोपी कोई और नहीं बल्कि आशीष ही है। पुलिस ने सख्ती की तो आशीष ने अपना गुनाह कबूल किया। साथ ही पुलिस आशीष के बसरिया के नए प्लॉट पर पहुंची और वहां पर बने सेप्टिक टैंक से शव को बरामद किया। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने शव के ऊपर मिट्टी भी डाल रखी थी। श्रीमती गुलाब कली है, महेवा कुंजन का बेश कर दो। इनके द्वारा एक सूचना 30 तारीख को इनकी बच्ची शेखर वो गायब है और मिल नहीं रही है जी। इस संदर्भ में इनके द्वारा फिर पुनः एक तहरीर भी दी गई कि ऐसा प्रतीत होता है कि वो आशीष गौतम नाम का जो कि इनकी बच्ची को जानता था उसके द्वारा उसका अपहरण कारित किया गया है जी। और इस संबंध में CDR और तमाम अन्य साक्ष्यों का विश्लेषण किया जाएगा। ये जानकारी प्राप्त हुई कि आशीष गौतम द्वारा ही कोई ना कोई घटना कारित की गई है और उससे पूछताछ की गई तो उसके द्वारा अपने निर्माणाधीन मकान से ये अप्रीता की बॉडी जो है वो रिकवर कराई गई और जो आशीष गौतम है तो उसको गिरफ्तारी कर अग्रिम प्राप्त की जाए। सर, शव की दशा क्या है सर? क्या कुछ मिला? तो बहुत ज़्यादा ऐसा खराब नहीं है, मतलब देखने से प्रथम दृष्टि जैसा उसने बोला है कि गर्दन दबा के इन लोगों ने उसकी मृत्यु की है। जी जी, इस दिन से गायब है। 24 तारीख को बता रही थी बहन जी घर पे थी, जितना बताया उतना तो आप सुने ही हैं। फिर उसके बाद हम आए हैं, ये भाई आया है मेरा, ये मम्मी को साथ में लेके आया थे आशीष, तो हमारा भ्रमित किए इनको कि चलिए हम बताते हैं, कहा थी वहाँ चौकी पे वो कर दीजिए। कितने दिन बाद लेके 26 तारीख ना ही 29 तारीख को बाबा आए, मम्मी की बात बताया जब आशीष लेके आए। ठीक है, सही तो जी 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 जी।